अच्छा जी सही है भाई, पता लगा है कि यहाँ पे अजय देवगन आने वाला है इस मॉल में। इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वापस लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आज हम लोग सॉरी आज तो सिर्फ मैं ही अकेला, तो आज मैं मूवी देखने के लिए आ रखा हूँ इधर शालीमार बाग PVR में एंड इस मूवी का नाम है जॉन विक। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को पता होगा कौन सी मूवी है, एक्शन फैंस को ज़्यादा अच्छे से पता होगा बिकॉज काफ़ी सारा मार धार लड़ाई झगड़ा है इसके अंदर। मुझे तो बहुत पसंद आता है बाई मूवी के लिए ना, एक्चुअली मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ गाइस, 12:30 पे स्टार्ट मतलब ऑफिशियल टाइम है इसके स्टार्ट होने का, बट अभी 12:45 हो चुके हैं। सो लेट्स सी, आई होप कि ट्रेलर्स वगैरह चला रखे हों उन लोगों ने ना, अभी बस उससे टाइम पास हो जाता है थोड़ा, तो मूवी यू नो थोड़ी बाद में स्टार्ट होती है। लेट्स सी कैसा रहता है। ऑडी वन पे हमारी मूवी लगी हुई है यहाँ पे, लेट्स सी कि मैंने मिस तो नहीं करी बिकॉज भीड़ भाड़ दिख नहीं रही, आवाज़ आ रही है इसके अंदर से। Possess the soul of the Pope's exorcist. Luckily, आज जा रहे हैं हम लोग, तो बच गए हम लोग। बाल बाल। गाइस इंटरवल हो चुका है एंड अभी तक तो बड़ा मजा आया, काफी सारा एक्शन है गाइस, इसमें इतना सारा कि मैं क्या बताऊं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी था एंड इसमें तो बहुत ज्यादा ही है। मैं तो काफी वेट कर रहा था इस मूवी का, एक्शन मूवीज का मैं बहुत बड़ा फैन हूं एंड लेट्स सी आगे और क्या क्या होने वाला है। एंड ब्लॉग के पर्पज से ही मैं सबसे आगे की सीट पर बैठा हूँ, इतनी बड़ी सीट लगती है ना आगे से, तो इसलिए एक मूवी देखी है खाली मैंने इतनी आगे से, कबीर सिंह थी बिकॉज हाउसफुल था उसका, बट या इतनी आगे से मैं तो नहीं देख सकता। गाइस ये फ्री पानी का लगा के रखा हुआ है यहाँ पे बिकॉज ये मैंडेटरी हो चुका है अब हर थिएटर के अंदर कि इनको पानी तो फ्री में एटलीस्ट रखना पड़ेगा। तो गाइस मैं मूवी देख के आ चुका हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी एंड तक, मतलब इतना मज़ा आया ना मैं क्या बताऊँ। सेकेंड हाफ में तो फर्स्ट हाफ से भी ज़्यादा एक्शन था, स्पेशली अगर आपने मूवी मतलब जब भी आप लोग देखेंगे वो स्टेयर केस वाला एक सीन है उसके अंदर, ओ भाई साहब मतलब नेक्स्ट लेवल एंटीसिपेट करके रखता है आपको एंड तक, और स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बिल्कुल आपको मतलब कैप्चर करके रखती है मूवी। ये बात अच्छी है एक्शन मूवी का, ये है कि एक्शन 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 खूब सारा हो जाता है, इस केस में बिल्कुल नहीं था ऐसा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक्शन ही एक्शन भरा हुआ है, बट मज़ा आया, बहुत मज़ा आया गाइस। बहुत टाइम के बाद मैंने देखा एवेंजर्स के बाद देखा कि इतनी तालियाँ इतनी सीटियाँ बजी हैं किसी हॉल के अंदर किसी मूवी के एक्शन को देख करके, तो काफ़ी मज़ा आया। अभी खाने चलते हैं कहीं पर अच्छी सी जगह पर एंड यस लेट्स गो। आई थिंक मे बी शायद मेरा पहला व्लॉग है ऐसा जिसमें मैं सिर्फ अकेला ही हूँ, तो गाइस बताना आप मेरे को कि कैसा लगा कमेंट्स करके एंड यस अकेले घूमने में भी गाइस मज़ा अपना अलग ही है, यू नो आपके पास फ्रीडम रहती है, फ्रीडम तो क्या ही रहती है, मतलब एक बंदे के साथ होना तो सही रहता है, बट या अलग घूमना भी इज लाइक अ डिफरेंट थिंग दैट यू कैन ट्राई आउट। गाइस अभी ना थोड़े दिन पहले ही दिल्ली के अंदर बारिश हुई है एंड देखिए सड़कों का हाल यही जाता है थोड़ी सी बारिश पड़ने पे ही। अरे सौरभ जोशी की धार तो नहीं है। गाइस आ चुके हम लोग NSP माय ऑल टाइम फेवरेट पैसिफिक मॉल, यहाँ का फूड कोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जानबूझ के बैक गेट से एंट्री नहीं ले रहा ताकि आपको फ्रंट व्यू दिखा सकूँ इस मॉल का जिन्होंने नहीं देखा यहाँ पे। अच्छा लग रहा है गाइस कुछ हो रहा है यहाँ पे, काफी भीड़ भाड़ हो रखी है लोगों की, लेट्स सी क्या होगा। अजय देवगन अच्छा जी सही है भाई, पता लगा है कि यहाँ पे अजय देवगन आने वाला है इस मॉल में शाम के टाइम पे एंड ओला मूवी आ रही है ना उसकी, उसके करके वो प्रमोशन करेगा अपना यहाँ पे आके, वो कह रहे हैं कि पता नहीं कभी भी आ सकता है वो कभी भी, तो लेट्स सी हम देख सकते हैं उसको। सही है चलो यार बढ़िया है, अजय देवगन को लाइव देखने का मौका मिलेगा और क्या। भाई जी अजय देवगन के लिए देखिए रेड कारपेट लगा रखा है, मे बी शायद उनकी टीम से ही है आई थिंक, रेड कारपेट लगा रखा है यहीं से चलते हैं, वो आएंगे भी थोड़ी देर में, उनकी मूवी आ रही है भोला उसका प्रमोशन करने के लिए, मुझे तो पता मेरे को मालूम नहीं था, मैं बता रहा हूँ वरना तो और पहले से आ रहा होता है जस्ट बिकॉज
बड़ी तेज शोर हो रहा है और जब वो आएंगे तो पता नहीं और कितना तेज शोर होगा। दसवीं बार चल चुका है जो अभी तक भाई, आधा घंटा हो गया वेट करते करते। अजय देवगन तो आया नहीं, बट आई थिंक क्विजेस वगैरह जरूर चल रही है यहाँ पे। जानवर आपको नहीं पता कौन, लेट्स सी आता है कितने बजे आता है देखते हैं। क्या हाल है बताइए? पुशअप कंपटीशन चल रहा है इधर, ये ऑडियंस में से बंदे उठा रहे हैं। मैं तो नहीं आ सकता, ये बंदा गया देखो गाइस। यार एक घंटे से बता रखा है ब्रू, एक घंटे से खड़े भाई, मैं मीटिंग छोड़ के आया हूँ। किसी भी वक्त आते होंगे, मुझे देवगन अनाउंसमेंट हो चुकी है इस की। अजय भाई लिटरली वो एक मिनट रहे यहाँ पे, सबने लगभग एक घंटा डेढ़ घंटा वेट करा, दो घंटा वेट करा। एक्चुअली उनकी मूवी रिलीज होने वाली है ना भोला 30 मार्च को, उसके चक्कर में वो यहाँ पे सिनेपोलिस मॉल है इसलिए आए थे। एंड लगभग शायद आधा पंद्रह घंटा उन्होंने मूवी भी देखी, ऊपर तुरंत नीचे आए, जितनी देर गाइस मैंने आपको वीडियो में दिखाया उतनी देर वो यहाँ पे रुके एंड उसके बाद वो चले गए। गाइस ऐसा ही है देखो, फॉर अ मोमेंट का होता है जितना भी होता है ना। और बाकी ठीक है, चलो इतना गेज मिला बस उतना ही काफी था, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा ही हो गई थी एक्चुअली वहाँ पे। बट लेट्स सी आगे क्या पता हम लोग किसी और सुपरस्टार से मिले थे सेम मॉल के अंदर। भाई यहाँ पे ना कंपटीशन हुआ था वहाँ पे स्टेज के ऊपर कि जो भी जीतेगा उसे अजय देवगन से मिलाएंगे। एक मिनट तक अजय देवगन रुका वहाँ पे, किसी को नहीं मिलाया। बट कोई नहीं यार, इतनी ज्यादा भीड़ थी तो उनके लिए पॉसिबल भी नहीं था इस मिले ना। सुबह सुबह 11:30 बजे के अराउंड ब्रेकफास्ट करा था, अब मैं यहाँ पे कुछ खाऊंगा बिकॉज फूड कोर्ट में आ चुका हूँ। लेट्स सी, मैं चाहता हूँ कुछ हेल्दी खाना गाइस, बिकॉज मैं बहुत देर के बाद में कुछ यू नो मील ले रहा हूँ, सो आई विल बी लाइट ऑन माय सेल्फ। देखते हैं, सब्बे खाते हैं यार, सब्बे से कुछ सैलेड वगैरह खाते हैं एंड देन आई विल बी सॉर्टेड। भाई हम लोग आ चुके हैं, लेट्स सी यहाँ से क्या खाते हैं। मेरा सैलेड बन रहा है यहाँ पे, नॉर्मल नॉर्मल। तो गाइस ये वेजी डिलाइट सैलेड आ गया हमारा सुबह से, इसका प्राइस 255 के अराउंड है। काफ़ी कुछ सुना है मैंने, बहुत अच्छा, मेरी सिस्टर ने भी बहुत रिकमेंड करा है। चलो मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको। मैंने लंच आज करा नहीं एक्चुअली, ये बस लंच समझ लो मेरा, मॉर्निंग स्नैक समझ लो, सब कुछ यही है अभी फिलहाल। लेट्स सी, बहुत टेस्टी राइस, आई मीन सैलेड ही है बेसिकली। बस सॉसेस वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसका रिचनेस को बढ़ा देती हैं एंड मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। पहले मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा है, बट आई थिंक मैं खा लूँगा इसको पूरे को। यस फाइनली गाइस, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि बाहर अगर मैं फूड कोर्ट पर जाऊँ भी तो यू नो हेल्दी प्रेफर करूँ, एंड आज वो डे फाइनली आ ही गया। लिटरली गाइस मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने अजय देवगन को लाइव देखा आज। शायद ये मेरी लाइफ के फर्स्ट सुपरस्टार है जिनको मैंने लाइव देखा, इससे पहले मैंने किसी बॉलीवुड स्टार को लाइव नहीं देखा आज से पहले। एंड सुबह सुबह देखिए कॉइंसिडेंस की बात है कि मूवी देखने निकला एंड शाम के टाइम में मुझे मूवी स्टार ही मिल गए उससे। एंड वो भी अजय देवगन जैसे इतने बड़े स्टार जिनकी अभी दृश्यम 2 इतनी बड़ी हिट हुई है, उनके इंट्रोडक्शन की तो कोई जरूरत ही नहीं है गाइज।
ये गाइस यू नेवर नो आपको लाइफ में कब कौन मिल जाए, द वर्ल्ड इज टू स्मॉल राइट। सो गाइस सीन ये है कि मैं पूरा नहीं खा पाया, बहुत डिलीशियस है गाइस, ऐसा नहीं है टेस्ट में कुछ इसमें इशू है, बट ये बहुत ज़्यादा ही था एक्चुअली क्वांटिटी में, तो मैं इसको पैक करा के ले जा रहा हूँ अभी। एंड गाइस वो आपको अच्छा ब्लॉग पसंद आया होगा, लिटरली गाइस अभी तक मैं हाथ पैर शेक कर रहे हैं बिकॉज अजय देवगन यू नो मेरे जस्ट सामने से निकले आए, यू नो उसी सेम रूफ के अंडर थे जहाँ पे मैं था उस टाइम पे। वो आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया गाइस, अजय देवगन को लाइव देखा मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम पे, होपफुली आगे भी उनसे यू नो मुलाकात होती रहेगी। एंड इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीक मिलूंगा एक नए ब्लॉग के साथ में, तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें अच्छे अच्छे जो भी आपको लगता है, ठीक है। तो ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। सो गाइस आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा,